हमारी जो एट थ्योरम थी उसका केस सेकंड अब हम प्रूव अब करेंगे, जिसमें हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ए से बी सी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू सी ए से बी एफ डी अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए वही फिर से केस तीन बनेंगे। क्या बनेगा फर्स्ट केस कि अगर सी की वैल्यू जीरो हो, अगर सी की वैल्यू जीरो हो गई तो देखो एक बार, ये भी जीरो फंक्शन, ये भी जीरो फंक्शन, यानी कि ये ट्रू हो गया, हो गया। अब दूसरा केस कि अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, अब ग्रेटर देन जीरो के लिए जो ए से हम अपर वाला लेके चलेंगे कि ए से बी बार सी एफ डी अल्फा, क्या बनेगा कि अपर इंटीग्रल किसके बराबर होता है, इन्फिमम ऑफ अपर सम, तो यू पी सी एफ अल्फा के बराबर आएगा ये, और यहाँ से इन्फिमम ऑफ सी बाहर आ गया तो बच गया यू पी एफ अल्फा, और इन्फिमम ऑफ अगर इस सी को भी बाहर और इधर ले लेते हैं तो इन्फिमम ऑफ यू पी एफ अल्फा बच गया, और इन्फिमम ऑफ यू यू पी एफ अल्फा क्या होता है कि ए से बी बार और एफ डी अल्फा, यानी कि यहाँ से क्या पता चल गया कि ए से बी बार सी एफ डी अल्फा इक्वल होता है भाई सी से ए बार एफ डी अल्फा के। अब इसी तरह सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लोअर के लिए लिख सकते हैं कि लोअर इंटीग्रल जो ए से बी सी एफ डी अल्फा होगा वो भी सी ए बार से बी एफ डी अल्फा के इक्वल होगा। अब गिवन था कि एफ बिलोंग करता है आर अल्फा में, सो हम इस कंडीशन को यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं कि ए से बी सी एफ डी अल्फा इक्वल होगा सी ए से बी एफ डी अल्फा के। अब केस थर्ड के लिए प्रूव करना है कि अगर सी की वैल्यू लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो के लिए फिर से हम वही अपर वाला ही लेके चलेंगे, सी से बी बार एफ डी अल्फा इन्फिमम ऑफ यू पी सी एफ अल्फा, सो एक बार सी इधर आ जाएगा यू पी एफ अल्फा और फिर इधर लेके। अब जब इस वाले केस में ये जो इन्फिमम है वो सुप्रीमम में कन्वर्ट होता है जैसे कि केस फर्स्ट में भी हुआ था, तो ये सुप्रीमम ऑफ बन गया यू पी एफ अल्फा का, और सुप्रीमम ऑफ ये किसके बराबर होता है ए से बी बार एफ डी अल्फा के। सो ये रीमन इंटीग्रल है तो इससे भी ये ए से बी सी एफ डी अल्फा सी ए से बी एफ डी अल्फा के बराबर होगा, हैंस प्रूव। थैंक यू।